गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी आ गया हूँ आपके पास दोबारा फिर से। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत। तो आप सभी का स्वागत है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत, प्रकाश का परावर्तन के बाद जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है विद्युत। पिछले पार्ट हमने सारे आंकड़े प्रश्न करवा दिए हैं आप लोगों को और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, उनके लिए हम दोबारा अलग से एक वीडियो आसान तरीके से बनाने की प्रयास करेंगे। और जो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेरिवेशन वगैरह है, वो आपको फरवरी में महामैराथन बैच मिलने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विद्युत पर। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ईमानदारी के साथ आप सभी लोग। तो आ जाते हैं डिस्कशन। इसमें पहला टॉपिक जो होता है वो है वैद्युत विभव। पहला टॉपिक है वैद्युत विभव। तो पहले तो जान लेते हैं वैद्युत विभव होता क्या है, परिभाषा इसकी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है वैद्युत विभव। मान लेते हैं ये एक नाभिक है, इधर ये, तो नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सभी बच्चे जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वास होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाहर क्या होंगे सर, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, एक बिंदु से मान लेते हैं इस बिंदु से एक आवेश को यहां तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो नोट करिए, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के माप को ही वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया ये पॉइंट, यानी कि कोई भी आवेश धन का अनंत पर है, उसको हम किसी बिंदु पर ला रहे हैं, इस आवेश को हम किसी बिंदु पर ला रहे हैं, तो यहां से यहां तक आने में किए गए कार्य की जो भी माप होती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। ये आपको अभी आगे और काम आने वाला है, तो इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र घूम रहे होते हैं, वो किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि धनावेश जो है वो एक कूलाम का है। कितने कूलाम का है, एक कूलाम का आवेश। नोट करिएगा, किसी एक कूलाम के आवेश को किसी
बिंदु पर लाने में 1 जूल कार्य लगता है तो उसका वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक, यानी कि एक कूलांब का कोई भी एक आवेश है, अगर हम उसको अनंत से किसी भी बिंदु पर ला रहे हैं और वहां तक लाने में किए गए कार्य कितना है, 1 जूल है, तो उसका वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, करते हैं, नोट हो गया होगा। शॉर्ट्स में सब कुछ समझा रहे हैं, जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है आप लोग को कृपया करके मुझे बताते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, तो एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। फरवरी महीने से आपको इस कोचिंग की वेबसाइट भी मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पर इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके सारे स्टडी मटेरियल और सारे पीडीएफ फाइल पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विभवांतर। विभवांतर, अब विभवांतर क्या है, देखो दो पॉइंट है, एक को प्लस मान लेते हैं, एक को माइनस मान लेते हैं। ये धनावेश हो गया, क्या हो गया, धनावेश हो गया, ये क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी एकांक आवेश को लाया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। नोट करिए कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच किसी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की माप को ही विभवांतर कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि कोई भी दो बिंदु है परिपथ में, अगर उनके बीच में किसी एकांक आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उसको प्रवाहित करने में किए गए कार्य की माप को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां पर V क्या है, विभवांतर है, W क्या है, कार्य है, क्यों क्या है, आवेश है। यहीं से कार्य का भी सूत्र आप निकाल सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो ये दो सूत्र यहां से निकले। समझ में आया कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में अगर हम किसी एकांक आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो उस आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की माप को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। कार्य को ऐसे दर्शा सकते हैं, जहां पर V है विभवांतर, W है कार्य, Q है
आवेश, कौन सा आवेश? ये एकांक आवेश की बात कर रहा है जो बीच में प्रवाहित किया जा रहा है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको जल्दी से। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या मात्रक हो गया? वोल्ट हो गया। रफ कर देते हैं, आ जाते हैं अपने अगले हेडिंग पे। अगला आता है हमारा एम्पियर। क्या आता है? एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर से आप क्या समझते हैं? जैसे कि धारा का मात्रक होता है क्या? एम्पियर होता है। तो यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में एक एम्पेयर धारा प्रवाहित होगी। ध्यान दीजिएगा कि किसी परिपथ में अगर एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ में एक एम्पेयर धारा प्रवाहित होगी, यानी कि Q इज इक्वल्स टू IT। यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। जहां पर I क्या है हमारा? एम्पियर धारा। Q क्या है? आवेश है। और T क्या है? समय। तो एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में एक एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। सूत्र क्या हो जाएगा इसका? आई बराबर Q/T। जहां पर आई क्या है? धारा है। क्यू क्या है? आवेश है। टी क्या है? लगने वाला समय है। नोट कर लीजिए इसको आप फटाफट। अब अगर हम बात करें कि इसको नापा कैसे जाता है, मापा कैसे जाता है, तो धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज और जुड़ा हुआ है, उसका ध्यान दीजिए कि यदि किसी चालक में धारा को मापना है तो हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? श्रेणी क्रम में लगाएंगे।
समझ में आया? धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को मापने का यंत्र अम्मीटर, अम्मीटर को जोड़ने का तरीका श्रेणी क्रम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। देखिए चार्ट के माध्यम से देख लीजिए, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। धारा को मापते किससे हैं? अम्मीटर से। अम्मीटर को जोड़ते किससे हैं? श्रेणी क्रम में। ये इतना याद कर लीजिए, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी आपको इसकी। ये चार पॉइंट याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे कि क्या होता है एमीटर, किसका मात्रक होता है, किसके द्वारा मापा जाता है, किस क्रम में जोड़ते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। चार चीजें याद कर लीजिए आप बस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रफ कर दें, अगला जो आता है वो है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, तब उस चालक का उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चालक है, उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता, कोई भी कंडक्टर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब उस पे लगे विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस तथा उस पे प्रवाहित धारा फ्लोइंग करंट क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, तब इस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस पर प्रवाहित धारा हमेशा नियत रहती है। नोट डाउन द पॉइंट प्लीज, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। रफ कर दें, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है वैद्युत प्रतिरोध। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? पहले तो सूत्र आप देख लीजिए कि प्रतिरोध बराबर होता क्या है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट हो गया। यहां से क्या निकलेगा? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, या फिर वी इज इक्वल टू आई आर। ये सूत्र बहुत जगह काम आने वाला है आपके आगे अंकित प्रश्न में, इतना इस्तेमाल हुआ, इतना इस्तेमाल हुआ, क्या बताया आपको। अभी जब अंकित प्रश्न करवाएंगे तब देखिएगा आप इसमें। तो इसकी डेफिनेशन हम आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? विभवांतर और धारा, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं?
प्रतिरोध कहते हैं। तो नोट डाउन करिएगा इसको कि यदि किसी चालक में वैद्युत धारा यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके सिरों पर लगे विभवांतर तथा उसमें बह रही धारा के अनुपात को हम क्या कह दिए, प्रतिरोध कह दिए। प्रतिरोध बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटे धारा, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I, देन V बिकम्स I इंटू R। ये सूत्र आगे बहुत लगने वाला है, नोट करिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ईमानदारी के साथ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको ये पूरा हमेशा के लिए, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, प्रतिरोधों में संयोजन। प्रतिरोधों में संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं, प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे, उनके दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमने बताया आपको श्रेणी क्रम, पहला हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर क्रम, दूसरा आ गया हमारा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जब कभी भी हमको तुल्य प्रतिरोध की बात की जाएगी तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। मान लेते हैं कि ये एक बैटरी लगी हुई है, यहां से गए, यहां पे एक प्रतिरोध, यहां पे एक प्रतिरोध, यहां पे एक प्रतिरोध, यहां पे इसकी कुंजी लगी हुई है, ये की है वही, ये बैटरी हो गई, इधर से प्लस से माइनस हमेशा धारा बहती है, ये आई हो गई। ठीक, बैटरी हमारी लगी हुई है, ठीक, यहां पे ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री हो गया। तो बताया गया कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी का मतलब एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, तो R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तुरंत ये सूत्र आप लगा देंगे। इसका लाइए समांतर पर, वन अपॉन R इज इक्वल टू होता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ध्यान रखिएगा ये सब बातें। मान लेते हैं ये एक परपथ हो गया, यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, यहां पे इसकी कुंजी लगी हुई है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, धारा हमेशा धन आवेश ऋण आवेश पे जा रही है, तो यहां पे धारा देखिए तीन भागों में बढ़ गई, वापस आके फिर यहां पे एक हो जाती है, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री हो गया। तो यहां का तुल्य प्रतिरोध अगर निकालने की बात किया जाएगा तो वन अपॉन आर इज इक्वल वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। अभी आगे इसको पूरा डिटेल में आंकिक प्रश्न आपको हम बताते हुए चलेंगे, आंकिक प्रश्न एक एक चीज आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि श्रेणी क्रम में क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में ऐसे फिगर आपको दिखेगा, समांतर क्रम में ऐसे फिगर दिखेगा। जब आवेश प्रतिरोध आमने सामने होंगे तब वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा, एक ही लाइन से जोड़े गए हैं तब वो सीरीज हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए,
रफ कर लेते हैं इसको। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा हो गया, तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के कारण प्रवाहित ऊर्जा को ही को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी चालक में वैद्युत आवेश के कारण प्रवाहित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत आवेश उसके कारण जो भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे हमने नाम दे दिया वैद्युत ऊर्जा का। वैद्युत ऊर्जा की बात करें तो होता है W is equals to V into Q। ये हो गया आपका वैद्युत ऊर्जा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा अगर बात करें तो वैद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है आपको, फालतू चीजें भी पढ़ाई नहीं जाएंगी यहां पे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, चलिए नोट करिए इसको फटाफट। जब भी विभवांतर तथा धारा के पदों की बात करेगी तो विभवांतर W is equals to V into I, धारा into लगने वाला समय हो गया। जब भी धारा और प्रतिरोध के बारे में बात करेगा देन W is equals to क्या हो जाएगा? I square R T। फिर विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में क्या हो जाएगा? W is equals to V square T upon R। वैद्युत ऊर्जा W is equals to विभवांतर गुणे धारा गुणे लगने वाला समय हो गया। धारा और प्रतिरोध के पदों में क्या हो जाएगा? वैद्युत ऊर्जा बराबर धारा का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध गुणे लगने वाला समय हो गया। तो देखिए धारा और प्रतिरोध यानी जायज बात, धारा प्रतिरोध तो होंगे ही, समय समय होगा, समय समय लगेगा क्योंकि बिना समय के कोई भी काम होता नहीं है। फिर विभवांतर तथा प्रतिरोध की बात कर रहा है तो विभवांतर V हो गया, ये R हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, तो V स्क्वायर T बटे R हो गया। दो डाउन कर लीजिए इसको, बहुत ही आसान है। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अब इसके आगे का थ्योरी पार्ट हम कल पढ़ाते हैं। आज के लिए थैंक यू। चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को कोई भी डाउट होता है तुरंत इस नंबर पर आप संपर्क करिए, आपको व्हाट्सएप पर उसका आंसर मिलेगा हर क्वेश्चन का। मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी क्वेश्चन होगा आप ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एक्सेल कोचिंग क्लासेस। टीचमेंट ऐप से पढ़ना चाहते हैं अगर आप तो टीचमेंट ऐप पर हमारा एक्सेल कोचिंग क्लासेस सर्च करिएगा, आपको वहां पे स्टडी मटेरियल्स, इनके पीडीएफ फाइल, वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन
नोट्स ये सब कुछ आपको वहां मिलेगा और सेशनल टेस्ट भी मिलेगा आपको। सेशनल टेस्ट यहां पे आपको मैथ और फिजिक्स के सेशनल टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जिन बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट आप लेते रहिए यहां पे और अपना आकलन करिए कि मुझे कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है और थोड़ा प्रयास करिए। बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है, हम प्रयास कर रहे हैं आपको सारी चीजें शॉर्ट्स में पढ़ाने के लिए। थैंक यू सभी बच्चों को, मेरा नमस्कार।